थैंक यू. व्हाट्स योर नेम? ओके थैंक यू. ओह भाई खतरनाक है. अगला लेन पे पहला लिप ऑटो वाले भैया दे रहे. थैंक यू सो मच. हैविंग 7 o'clock. या वी टू वर गोइंग टू स्लीप हियर 7 o'clock. सर कोहिमा को ता से कोहिमा. हां कोहिमा भैया यहां पे ट्रैफिक है. भैया तो पूछ रहे थे. हेलो ब्रो कहां जा रहे हो? कहां भी जा रहे हो? ए वहां तक छोड़ दोगे क्या कोहिमा? तो गाइस यहां पे पंगा हो गया यार. अभी यहां पे जो ट्रक तो चलो अभी हिचाइकिंग शुरू करेंगे. मार्केट एक्सप्लोर कर लिया एंड अभी चलेंगे कोहिमा की ओर एंड दिखाते हैं भाई कोहिमा. तो गाइस अभी आ चुका हाईवे पे. यहाँ देखो ये हाईवे एंड कोहिमा इधर जाना है या इधर जाना है पता नहीं है. ये हाईवे है देखो एंड हम आ रहे हैं अभी इस रोड से मार्केट से. अभी देखते हैं यहाँ पे पूछ के चलते हैं कि किधर जाना है. सर कोहिमा को ता से कोहिमा. हाँ कोहिमा ये तो जाए ना ये तो या फले. ओके थैंक यू. हिचाइकिंग शुरू करेंगे. वैसे शाम हो चुका है तो फटाफट चलते हैं भाई. जहाँ तक पहुँचेंगे आज वहीं पे कैंपिंग करेंगे या फिर पता नहीं क्या होता है. चलो बने रहो. चलो हिचाइकिंग करते हैं ना. बोर्ड निकालो अमन भाई बोर्ड. चलो भाई निकालो. हम लिफ्ट लेकर कोहिमा पहुँचेंगे. लिफ्ट लेके कोहिमा पहुँचना है ना भाई. रात तक पहुँचेगा? अरे पहुँच भाई रात से पहले पहुँचना. कल का फेस्टिवल देखना. आज का मिस हो गया है भाई. कल का फेस्टिवल चैलेंज. चलो भाई कोहिमा पहुंचना रात से पहले. चैलेंज ले लिया भाई ने. अभी देखते 70-80 किलोमीटर की दूरी है. बाकी देखते कवर करते हैं. ओके अगर चैलेंज तू हार जाएगा तो भाई हम तेरे को कुछ खिलाएंगे. कुछ खिलाएंगे ना. चल भाई आने के लिए तैयार हूँ मैं. तो बोर्ड निकाल. ओके अभी चैलेंज भी लग गया. पीयूष भाई कुछ खिलाने वाला है अब तो. मेरे को नहीं लग रहा है कि हम पहुंच पाएंगे कोहिमा पे. देखते हैं. बोर्ड निकाल भाई बोर्ड निकाल फिर देखते हैं. बेबी तू बोर्ड निकाल. नागालैंड में फर्स्ट हिचाइकिंग कर रहे हैं पीयूष भाई. ऐसा करना. हाँ आप देखते हैं कितनी देर में लिफ्ट मिलता है यहाँ पे. देखते हैं नागालैंड में पहला मतलब आज फर्स्ट हम लिफ्ट मांग रहे हैं एंड पीयूष भाई मांग रहे हैं अभी लिफ्ट. चलो देखते हैं. ये हाईवे 4 lane एंड ये रोड जा रहा है कोहिमा की ओर. चलो देखते हैं कितनी देर में लिफ्ट मिलता है. अब एक थार आ रही है ये रोकेगा लगता है. वैसे काफ़ी शाम हो चुका है. अभी थोड़ी देर में तो अंधेरा ही हो जाएगा. रहने का भी कुछ ज़्यादा पता हुआ नहीं यार. कितने देर में मिलेगा भाई? तो भाई आज का पहला भाई रुक गया है. देखो आपका नाम क्या है? चुमक. चुमक, चुमक. या। चलो यार थैंक यू सो मच. रोका बहुत अच्छा लगा. तो भाई यहाँ पे देखो ऑटो वाले भैया ने रोक दिया है. नागालैंड पे पहला लिप ऑटो वाले भैया दे रहे. थैंक यू सो मच. कितना किलोमीटर जाएंगे आप? 4 miles. चलो चलो पकड़ो. ओके भैया साइड में साइड कर लो. तो भाई आज का पहला लिप मिल गया है ऑटो रिक्शा पे. देखो थैंक यू सो मच भैया. आप कहाँ से हो? यहाँ पे दिमापुर से. दिमापुर से ही है ना यहाँ के लोकल. थैंक यू सो मच. आपका नाम क्या है? इका. इका थैंक यू सो मच भैया जी. देखो ऑटो पे यार बहुत दिनों के बाद ऑटो पे लिप मिला है. एंड यहाँ से आप कितने किलोमीटर जाएंगे भैया? 4. ओके 4 किलोमीटर का लिप है भैया. यहाँ पे ट्रैफिक है. भैया तो पूछ रहे थे. हेलो ब्रो कहाँ जा रहे हो? कहाँ भी जा रहे हो? हमें वहाँ तक छोड़ दोगे क्या? कोहिमा उधर जा रहे हो ना? हम दो है आ जाए. थैंक यू. तो भाई भाई हमें ले जाने के लिए तैयार हो गए. बैग ले लेते हैं. हाँ चल. हाँ वो ठीक है भैया. थैंक यू. आजा जल्दी आजा. चलिए भैया थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ ठीक है भैया. थैंक यू. ओके थैंक यू सो मच. आजा भाई. तो भाई ट्रैफिक ट्रैफिक में मिल गया और ट्रैफिक खुल रहा है. जल्दी चलते हैं दौड़ के. खुल गया. हाँ आप मणिपुर जा रहे हो क्या? चलो यार थैंक यू सो मच. आपका नाम क्या है? जाकिर. जाकिर. जाकिर
ओके भाई का नाम है जाकिर और सेकंड लिफ्ट हमारा मणिपुर तक जा रहे हैं, आज का दूसरा लिफ्ट है और ऑटो वाले भैया ने बोला डायरेक्ट जाके पूछो। चलो यार थैंक यू सो मच, अभी भाई के साथ हम चलेंगे कोहिमा तक एंड किसामा होके जाओगे क्या? ओके तो जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होते हैं डायरेक्ट लिफ्ट मिल गया और भाई को हमने बोला था भाई आज हम पहुँच के दिखाएंगे तो शायद भाई ये चैलेंज हार सकते हैं। चैलेंज लिया था ना भाई, जीत गया यार। चलो थैंक यू सो मच जाकिर भाई, चलते हैं। और आप यहाँ पे रहते हो क्या? ये कहाँ तक जाते हो? मतलब गुवाहाटी से आए। अच्छा गुवाहाटी से मणिपुर? ओके गुवाहाटी टू इम्फाल सही है। दिल्ली का आना जाना है क्या? दिल्ली का। अच्छा अच्छा चलो आंध्र आने से पहले पहुँचेंगे हम लोग। अंधेरा हो जाएगा ना? अच्छा अभी तो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर होंगे, 60-70। ओके ऑनबिल जा रहे हैं क्या? ऑनबिल में छोड़ देंगे आपको। अरे थैंक यू सो मच। तो यहाँ से और 70 किलोमीटर है और जाकिर भाई हमें सीधा ऑनबिल का ग्राउंड पे ही सामने छोड़ देंगे। चलो भाई चैलेंज जीत गया तो हमने बोला था और कमेंट में भाई एक भाई ने बोला था कि मतलब एक चैलेंज है भाई विदाउट मनी ट्रैवल करना है, तो भाई ये चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया है और अभी हम विदाउट मनी ट्रैवल कर रहे हैं। अभी मतलब जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बिल्कुल जीरो रहेगा और खाने वाने का भी मतलब हम खुद से ही करेंगे। बहुत मजा आने वाला है भाई इस बार, बहुत जबरदस्त रहेगा हमारा नॉर्थ ईस्ट का ये ट्रिप। अभी जाओगे तो लेफ्ट साइड में क्या है? ये तो नदी है। अच्छा इधर नदी है और यहाँ पे देखो हॉर्नबिल 2023 का पूरा लगा रखा है मस्त एकदम। तो अभी पहुंच गए हम लोग झरना पानी पे और यहाँ भी देखो ये पहाड़ों के बीचों से रोड काट के रखा हुआ है। एंड यहाँ भी देखो ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहे हैं ना, ये कपड़ा डाल रखा है यहाँ पे जब बारिश होता है तो उस समय स्लाइड ना होने के लिए। यहाँ भी मैं तो यार सोच रहा था कोयला वगैरह है लेकिन यहाँ भी देखो कारपेट डाल रखा है। तो गाइस अभी शाम के 5 बज चुके हैं और पूरा अंधेरा भी हो चुका है। यहाँ भी देखो ट्रक की लाइट, यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ भी देखो अपना जाकिर भाई है और इधर पीयूष भाई, यहाँ सामने एक रेस्टोरेंट है तो अभी चलते हैं वहाँ पे कुछ खाते हैं क्योंकि इधर आगे रेस्टोरेंट वगैरह मिलने वाला नहीं है वेजिटेरियन। यहाँ पे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है एंड चलो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। लेट्स गो। ओके रेस्टोरेंट के अंदर आए और हम खा रहे हैं यहाँ पे रस मलाई और ये है जाकिर भाई की तरफ से। थैंक यू यार। अभी रात के 7:30 हो चुके हैं और यहाँ पे देखो ट्रक, यहाँ पे ट्रक रुका हुआ है क्योंकि नो एंट्री आगे, तो यहाँ पे रुके हुए और जाकिर भाई के दोस्त मिल गए। देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो जाकिर भाई का दोस्त। आपका नाम क्या है? रहमान। रहमान भाई अभी रेप सुनाएंगे। चलो चलो चल 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 हट चल 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 तेरे संग ही माँ चल चल। क्या बात है, मत करिए ना यार। अरे मस्त यार, बढ़िया बढ़िया भाई। यहाँ पे अपना एक भाई है और इधर एक भाई है। आप आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम मोइनुद्दीन है। मोइनुद्दीन भाई है, सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू सो मच ब्रो, वेलकम। हाँ मालूम है, कैमरा फ्रेंडली बोलो यार, तभी तो मजा आएगा यार। अभी तो मजा आएगा यार, हॉर्नबिल का मजा जाके लो। यो यो ओके ब्रो। और ये अपना जाकिर भाई है यार, इसके दोस्त है। आप लोग क्या मतलब पुराने दोस्त है या फिर ऐसे मिले? पुराने दोस्त है ना ये भाई, सब पुराने दोस्त है। पुराने दोस्त भाई, जब से जाकिर भाई मिले हैं भाई बहुत मजा आ रहा है यार इन भाई के साथ। अब इनकी वजह से 3-4 लोग और मिल चुके हैं और मिलेंगे और आ रहे दोस्त और मिलेंगे ना। अरे बढ़िया यार, यहाँ पे अपने दोस्त नए नए दोस्त बन गए। लेकिन ठंडा, आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल चलो यार अभी यहाँ पे मौज करते हैं, बहुत ही एंटरटेनमेंट में भाई यहाँ पे। ये बंदा बहुत बढ़िया है, कहाँ गया? अच्छा ये पेपर बंदा भाई। अभी रात के 8 बज गए और देखो हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं इन भाइयों के साथ में। ये देखो आपने ट्रक वाले भैया लोग सभी लोग और ये देखो सब चाय पी रहे हैं। ये देखो भाई बहुत अच्छा लगा यार इन लोगों से मिलके, मजा आ गया भाई। और ये देखो ये क्या, ये पापड़ है कुछ? पापड़ क्या है? पापड़ चूचेंग कैसे? क्यों पापड़? क्या 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 बोला? पापड़ ये देखो पापड़ कैसे? तो भाई यहाँ पे मस्त एकदम बहुत मजा आ रहा है यार, काफी सारी बातें कर रहे हैं और यहाँ देखो आग भी ताप रहे हैं यहाँ पे मस्त। चलो भाई चाय का मजा लेते हैं यार, मजा आ गया ना भाई। ऐसे लोग मिलते हैं भाई, काफी मजा आता है ऐसे लोगों के साथ में। हमारे ट्रक वाले भाई बहुत। तो गाइस यहाँ पे पंगा हो गया यार, अभी यहाँ पे जो ट्रक यहाँ पे रोक दिया है, अभी 8:00 पार हो चुके हैं तो अभी ट्रक यहाँ से 10 से पहले जाने नहीं देंगे क्योंकि नो एंट्री आगे। तो भाई अभी 10 तक हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा एंड आगे जाके अभी पता नहीं रात को क्या होगा। चलो देखते हैं, बने रहना आप लोग। यहाँ पे देखो सारा ट्रक इधर लाइन लगा हुआ है भाई, इस ट्रक पे आ रहे हैं हम लोग अभी। चलो बने रहो आप लोग। यारा रबु दी कसम, दिल
दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे यार मस्त गाना सुना रहे भाई अपने चलो चलो दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दागा नहीं करेंगे सनम हो रब दी कसम यारा रब दी कसम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दागा नहीं करेंगे सनम बढ़िया बहुत बढ़िया तालियां तालियां भाई। तो गाइस अभी रात के 11 बज गए हैं और हम लोग अभी ट्रक पे है क्योंकि यहाँ पे नो एंट्री है और ट्रक जाने नहीं दे रहे क्योंकि हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना तो ट्रक बढ़ने नहीं दे रहे अभी रात हो गए तो हम लोग अभी यहाँ पे देखो हम ट्रक वाले भाई लोग के साथ नहीं यहाँ पे और देखो हम खाना भी तैयार हो गया यार हमारे लिए भाई लोगों ने खाना भी तैयार कर दिया है और देखो अभी यहाँ पे स्पेशल हमारे लिए वेजिटेरियन बनाए हैं आलू गोभी सब्जी और चावल है भाई पीयूष भाई यहाँ पे भूख लग रही है खाना वाना खाएंगे भाई भाई मतलब बहुत अच्छे लोग हैं इन्होंने हमारे लिए वेजिटेरियन फूड बनाया वरना भाई यहाँ पर वेजिटेरियन फूड मिलना बहुत मुश्किल है लेकिन इन्होंने हमारे लिए बनाया भाई थैंक यू सो मच यार आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू यार। तो देखो भाई इतने मस्त लोग मिले अभी साथ में डिनर कर रहे हैं और ट्रेवलिंग में भाई यही एक्सपीरियंस करने को मिलता है रैंडम लोगों के साथ में खाना पीना रहना और भाई एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है काफी मजा आ रहा है। और भाई आपको कैसा लग रहा हमारे साथ आप लोग से मिलके बहुत ही अच्छा लगा मैं दिल से कह रहा हूँ आप लोग से मिलके बहुत ही अच्छा लगा यार मैंने सोचा नहीं था आप लोग से ऐसे मिल पाऊंगा आप लोगों के साथ ऐसे हम सब मिलके है ना टाइम एक्सपेंड कर पाऊंगा और रात के डिनर कर पाऊंगा सोचा भी नहीं था हमने ऐसा बट जो भी है ना भाई बहुत ही अच्छे लग रहा है यार ना थैंक यू चलो अभी इंजॉय करते डिनर करते और उसके बाद देखते कब निकलेंगे फिर चलो बने रहो आप लोग भाई रख लो इसको। तो ये देखो भाई यहाँ पे ये सब्जी वगैरह चलो खा के बताते हैं कैसा है आपने जो खाए तो मैंने और बात रखते हो तो भाई यहाँ पर भाई लोगों ने बहुत मस्त खाना बनाया वो काफी मस्त खाना बनाया कुक कौन है भाई कुक आप हो ना आपने बनाया है ना हाँ। ये भाई ने बनाया भाई बहुत मस्त थैंक यू यार आपका नाम क्या है राहुल राहुल हाँ राहुल भाई ने बनाया देखो काफी मस्त चलो थैंक यू सो मच यार सभी को वेलकम। तो भाई अभी हम लोग निकल चुके 12:10 हो चुके और हम लोग यहाँ से निकल चुके डिनर करके और ट्रक का जो लाइन लगा हुआ था वो भी खुल गया है अभी देखो रात के 12 हम निकल चुके एंड 1 शायद हम पहुँच जाएंगे जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है और उसके बाद देखना है भाई कहाँ पे रहेंगे क्या करेंगे कहाँ पे टेंट लगाएंगे कुछ आधा पता ही नहीं अभी वहाँ पे जाके देखते आप लोग बने रहो यहाँ पे देखो अपना भाई मस्त खतरनाक है भाई प्रो ड्राइवर है कितने चक्के वाला ट्रक है ये सोलो टायर है भाई देखो एकदम हैवी ड्राइवर पहाड़ों पे भाई राजस्थान की है कितने सालों से चला रहे हो मेरा अभी समथिंग 13 हो गया 13 इयर्स अरे भाई 13 का एक्सपीरियंस है गजब का भाई मस्त है एकदम खाना वाना खा के ट्रक में ही भाई पकाओ गैस वेस यहाँ पे देखो सारा कुछ सिस्टम है भाई एकदम मजा है और यहाँ पे अपना भाई है देखो इतना बड़ा केबिन है ना यहाँ पे 3 आराम से सो सकते हैं ये देखो 3 सो जाते हैं ना आराम से कोई दिक्कत नहीं ये देखो भाई कभी कभार हमें 2 ज्यादा हो गया तो 4 भी सो जाते हैं भाई पूरा चलता फिरता घर है काफी मजा आ रहा है चलो आप लोग बने रहो अभी चलते हैं किसामा पे और चलो वहाँ पे दिखाते हैं क्या सीन रहने वाला रहने का आज स्टे का। तो गाइस अभी रात के 12:40 हो चुके हैं और देखो अभी कोहिमा पहुंच गए काफी मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से बिल्कुल मतलब लग रहा है कि आसमान में देख रही है देखो ये देखो भाई ये कोहिमा है तो बहुत खूबसूरत जगह है ना हाँ बहुत भाई कोहिमा पूरा का पूरा दिख रहा है यार कितना सुंदर लग रहा है देखो यहाँ देखो भाई क्रिसमस की अभी रात के 2 बज चुके हैं और हम लोग फाइनली पहुंच गए नागा हेरिटेज विलेज पे एंड यहाँ पे ही हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये देखो अपना ट्रक है यहाँ पे और इधर है भाई चलो वहाँ पे चलते हैं। नागा हेरिटेज विलेज पे पहुंच चुके हैं रात के 2 और ये अपने मोइनुद्दीन भाई के साथ और ये देखो यहाँ पे एक ट्रक है भाई का और यहाँ पे सारे साथ में आ रहे हैं अपने बंदे यहाँ पे देखो यहाँ पे जाकिर भाई का ट्रक है बैग यहाँ पे अपना बैग निकालेंगे अभी मेरे घर में ठोक दिया था ना हाँ शीशा तोड़ दिया चलो यार लेकिन गलती उसका था तुम्हारी नहीं थी
इसीलिए मैं पीछे पीछे देखा है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ यार पंगा हो गया था गाड़ी, एक गाड़ी वाले ने ठोक दिया भाई की गाड़ी पे यार, भाई को पता नहीं चला लेकिन, और उसको भी पता नहीं लगा होगा आई थिंक चला गया वो। नागा हेरिटेज विलेज है एंड यहाँ पे ही हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और भाई ट्राइपॉड लगा लिया क्या? अरे भाई ने भी ब्लॉगिंग शुरू कर दिया यार, देखो मैं जहाँ पे जाता यार ब्लॉगर बना देता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी अपना एक ट्रक वाला भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है। अपने भाई लोग निकल रहे हैं, चलो सभी को बाय 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 बाय, फिर मिलते हैं ब्रो, बाय बाय, चलो ब्रदर फिर मिलेंगे कभी, सो मच सभी को, चलो बाय बाय, ओके ओके ओके, अच्छे जाना, सेफ जर्नी, सेफ जर्नी, लव यू, बाय बाय। ये देखो भाई रात के 2 बज रहे हैं अभी और यहाँ पे भाई रास्ते के साइड में कुछ है नहीं, तो यहाँ पे एक मोहतरमा मिली है, वहाँ मिले जा रही है नीचे कैंप साइड है बता रहे थे। अभी चलो देखते हैं नीचे, और रास्ते बहुत ख़तरनाक है यार, ये देखो काफ़ी डाउन है नीचे है, एंड कितना क्या चार्ज करते हैं जाके देखते हैं, कुछ लाइक ऐसे टेंट लगाने को दे देते हो अच्छा रहेगा। ओ भाई रुक जा रुक जा, फंस रहे रुक जा भाई, हाँ चल 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 चल, ये तो सही सर तो सोए हुए हैं, देखे तो सो गए क्या? ओनर ओनर कौन है ये आपके आपके पास नहीं है ऐसी जगह? नहीं है, नहीं है, ओके देखे तो सारे लोग सो गए। अमन लोकेशन जबरदस्त है भाई, भाई साहब आप एक बार लोकेशन देखिए, यहाँ पर काफी लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं। व्हाट तो भाई अभी देखते हैं यार, रात के 2 बजे कुछ अता पता नहीं कहाँ क्या करें। ये लड़की हमें यहाँ पे लेके आए थे कैंप के लिए लेकिन कैंप काउंटर भी सो गए, अभी देखते हैं क्या करना है यार। क्योंकि आराम से ना अमन, हाँ ओह भाई खतरनाक है। एक्चुअली वो नीचे कैंप साइड था वहाँ पे लाइक सभी लोग सो गए, वापस यहाँ रोड पे आ गए हम इनके साथ ही आ गए। This is your cafe. Okay, woke up very like early. Yeah. Time. 7 o'clock. Yeah, we too were going to sleep here. 7 o'clock. Yes. Okay. 7 o'clock. Yeah. Okay. Okay. No? Okay. Thank you so much. Thank you so much. अभी रात के 2 बज रहे और यहाँ पे देखो ये कैफे है एंड यहाँ पे हमें टेंट लगाने को दे दिया दीदी ने, एंड भाई रात के 2 बज रहे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इसके अंदर ही होता है, नागा हेरिटेज विलेज यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इसके ठीक अपोजिट साइड में यहाँ पे हमें जगह दे दिया है कैंप लगाने के लिए। यहाँ पे टेंट लगाएंगे अभी, पीयूष भाई का टेंट है, अब यहाँ पे टेंट पीस करेंगे, और नीचे कैंप साइड था उधर गए थे तो सभी लोग सो गए थे, और अभी यहाँ पे टेंट लगा रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो टेंट लगा लिया है, और भाई हवाएं काफ़ी तेज़ आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? ओके थैंक यू, वेलकम। यहाँ पे टेंट लगा लिया भाई, रात के 2 बज गए अभी, अभी बैग वैग अंदर डालते हैं उसके बाद सो जाएंगे, सुबह जल्दी भी उठना है फिर यहाँ से हमें 6 बजे फिर यहाँ से हमें निकलना भी पड़ेगा भी क्योंकि कैफे खुल जाएगा ना। मुझे भी स्लिप लेनी, पहले उसमें डाल ले भाई। सारा कमाल इसका है, इसके वजह से काफ़ी हेल्प मिलता है यार, तो अगर आप भी ट्रैवल करना चाहते हो तो ये बोर्ड ज़रूर बनवाना, इसके वजह से लोगों को समझ में आता है बहुत कुछ। भारत यात्रा ऑल इंडिया ट्रैवल एंड विदाउट मनी देख के लोग बहुत हेल्प करते हैं, सो अगर आप भी ट्रैवल करना चाहते हो विदाउट मनी तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भाई। ये देखो सो गाइस अभी रात के 2 बजे और देखो टेंट हमने यहाँ पे पिच कर लिया इस कैफ़े में, एंड यहाँ के लोग बहुत बढ़िया यार,
इतने रात को यहाँ पे टेंट लगाने का दिया। एंड चलो अभी यहाँ पे अभी टेंट लगा दिया एंड अभी सो जाएंगे। सुबह यहाँ से व्यू पॉइंट दिखाएंगे भाई, बहुत खतरनाक व्यू पॉइंट है। देखो पूरा नीचे का पूरा दिख रहा है, काफ़ी ऊंचाई पे हमें अभी। एंड यहाँ से नीचे का व्यू दिख रहा है भाई, बहुत ही मतलब गहरा है ये। देखो अंधेरा हो गया, अभी सुबह दिखाते हैं आपको। चलो इस वीडियो को यही पेंड करेंगे, मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद।